बिहार में चमकी बुखार और लीची को लेकर फैले भ्रम को लेकर हिमाचल में भी लीची की बिक्री प्रभावित हुई है। इससे दुकानदार व बागवान परेशान दिख रहे हैं। लीची की बिक्री में आई मंदी से उन बागवानों की हवाइयां उड़ गई हैं जिन्होंने व्यापक स्तर पर लीची के बाग लगाए हैं। फलों की रानी के तौर पर पहचाने जाने वाला रसीला फल लीची विवादों के केंद्र में है। दरअसल डॉक्टरों के साथ बिहार सरकार के कुछ अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की मौत के पीछे उनका लीची खाना भी एक कारण है। बिहार में चमकी बुखार और लीची को लेकर फैले भ्रम को लेकर हिमाचल में भी लीची की बिक्री प्रभावित हुई है। हमीरपुर में इससे दुकानदार और बागवान खासे परेशान दिख रहे हैं। लीची की बिक्री में आई मंदी से उन बागवानों की हवाइयां उड़ गई हैं जिन्होंने व्यापक स्तर पर लीची के बाग लगाए हैं। फलों की रानी के तौर पर पहचाने जाने वाला रसीला फल लीची विवादों के केंद्र में है। दरअसल डॉक्टरों के साथ बिहार सरकार के कुछ अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की मौत के पीछे उनका लीची खाना भी एक कारण है। इसका असर ये हुआ कि बिहार समेत देश भर में लीची को संदिग्ध नजर से देखा जा रहा है। हालात ये हो गए हैं कि लोगों ने लीची खरीदना तक बंद कर दिया है। इस वजह से दुकानदारों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं और इस फल के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार बीते एक हफ्ते में हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, ऊना सहित प्रदेश के अन्य इलाकों में लीची की बिक्री में करीब 30% तक की गिरावट आई है। इस तरह से जैसे मैं अभी मार्केट आया था सब्जी लेने के लिए और साथ में फ्रूट भी कुछ लेना था, फ्रूट के जिस तरह से जो लीची का इस वक्त हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी शोर मच गया कि जो चमकी बुखार है इसकी ये लीची की वजह से हो रहा है। तो जैसे चमकी बुखार बिहार में हो जिसमें बड़े मासूम बच्चे मारे गए, तो इस मेरे घर पे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं भी बड़ा सोच समझ के अब मैंने ये फैसला लिया कि लीची तो मैं एटलीस्ट लेके नहीं जा रहा हूँ और बाकी फ्रूट मैंने ले लिया। और जिस तरह से आप लोकेलिटी में हवा चली एक दो दिन से, तो बहुत ज़्यादा लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि जो लीची फल है इसकी वजह से चमकी बुखार जो वो हो रहा है। तो यहाँ पे भी सारे मैक्सिमम यही सजेस्ट कर रहे हैं कि लीची खाना बंद कर दो। माना जाता है कि लीची का सीजन केवल 20 से 25 दिन का होता है, इसके बाद लीची खराब होना शुरू हो जाती है। इस बार लीची की बम्पर फसल होने से बागवानों को अच्छा मुनाफा होने की उम्मीद थी, लेकिन चमकी बुखार के कारणों में लीची को लेकर फैली अफवाह ने बागवानों और फल विक्रेताओं की परेशानी बढ़ा दी है। फलों की दुकानों में लीची तो है लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। वही मेडिकल ऑफिसर एवं महामारी योग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा का कहना है कि लीची को लेकर कोई डरने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कमजोर व कुपोषण के शिकार बच्चों द्वारा कच्ची लीची खाने से बुखार के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन लीची खाने से डरने वाली कोई बात नहीं है। दुख की बात है कि बिहार में ये जो चमकी बुखार है ये जो है उसको लीची के फ्रूट के कारण जो है ये फैलना बताया जा रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी जो समस्या है कि ये उन बच्चों में हो रहा है जो माल नरिश्ड हैं, जो कमजोर हैं या जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने लीची को खाया है और उसके बाद जैसे इवनिंग टाइम में डिनर नहीं करा है, इस एम्प्टी स्टमक्स होने की वजह से है जो ये टॉक्सिन जो है वो जरूर इस तरह का बुखार जो है पैदा कर सकता है। लेकिन इसके लिए जो डॉक्टर शाह के अंडर जो 2-3 साल पहले एक स्टडी भी हुई थी और बिहार सरकार को उन्होंने क्लियर कट इंडिकेशंस भी दी थी कि आप माल न्यूट्रिशन पे काम करिए ताकि ये जो बच्चे हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं और सारा दिन जो है एक तो हीट स्ट्रोक लगता है, ऊपर ये सारा दिन लीची के बगीचों में घूमते रहते हैं और पेट को भरने के लिए लीची को खाते हैं और शाम को ये बिना खाने के सो जाते हैं, ऐसे बच्चों में ये बुखार जो है वो ज्यादा देखने को मिला है। और ऐसा अगर कोई वैसे लीची का उपयोग करता है तो ऐसा कोई डरने वाली इसमें कोई बात नहीं है, हमारे प्रदेश में ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वे लीची से आजकल परहेज ही कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में बच्चों की मौत से सभी डरे हुए हैं, इसलिए बाजार से लीची नहीं खरीद रहे हैं। हमने एक बार ले ली ना 1/2 किलो, फिर हमें उसके बाद पता भी लगा कि बिहार में बच्चे बहुत मर रहे हैं, तो ये लीची का कारण है, पता नहीं इसमें क्या स्प्रे किया, क्या मिलाया, क्या पॉइजन बन रहा है। फिर मैंने बाकी को भी बताया कि मत लो इस चीज़ को, उसे पता नहीं क्या बीमारी फैल जाए यहाँ भी, तो कोई भी ऐसी वैसी करना हो तो इसके लिए हम भी बाकी को जागरूक करते हैं कि वे लीची मत लो बाजार में। एक है तो पूरा रीज़न लीची नहीं है, इसका रीज़न है मेल नरिशमेंट, बच्चों पूरा खाना नहीं खाते हैं, वो सिर्फ लीची खा के सो जा रहे हैं, उस वजह से उनको
उनकी नरिशमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, और उसका रीज़न वहाँ पे इंसेफेलाइटिस फैला है और वो फैला है उन पर ज़्यादा अटैक कर रहा है। उसका रीज़न एक ये है कि वो सारा दिन घूम रहे हैं और लीची खा के पेट बिना कुछ खाए पिए सो जा रहे हैं। इसका ये रीज़न है, ना कि पूरी की पूरी लीची में कीड़ा।